लगवा रहे हैं, उनको जिम्स की तरफ, उनको वॉक की तरफ, उनको योगा की तरफ, उनको अच्छे डाइट की तरफ आप मशवरा दिया करें, बिकॉज एक औरत जब फिट होती है तो पूरा परिवार फिट होता है। मैं बड़ी तीन तो जरूरत तीन में उपचार करोगे हम सब जानते हैं, हम अमूमन कहते हैं कि जो स्पोर्ट्स है वो इट इज गुड फॉर अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड, लेकिन शायद हमें ये रियलाइजेशन होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, यूथ है, वो तो एक्टिव रहते ही हैं। इस उम्र के और हमारी उम्र के लोगों को और भी ज्यादा जरूरत है कि हम स्पोर्ट्स फील्ड पे आए ताकि हम और ज्यादा हेल्दी रहें और इस उम्र में भी एक्टिव रहें। मैं देख सकता हूँ यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी उन्होंने कहा इज मोर देन 80 इयर्स ओल्ड, लेकिन मुझे ये लगा कि इज परहैप्स नॉट मोर देन 70, क्योंकि शायद ये परफेक्ट है और पहले खुद भी एक एथलीट और स्पोर्ट्स पर्सन रह चुके हैं। कर रहे हैं और अब ये हम लोग कुछ चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। गोल्डन ईयर गेम्स जो है वो हमने कुछ सुनहरी अल्फाज गेम्स जो है सारे कुछ यादें आपके साथ शेयर करेंगे। आप सारे लोग बैठ जाइए मेहरबानी करके, जितने भी है जो आज तक आए हुए हैं जिनकी जो जिनकी बड़ी कुछ एक्टिविटी नहीं करते थे, कुछ सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, और भी और ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे और अलग अलग गेम जो है वो खेलेंगे। मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ स्पोर्ट्स काउंसिल को जिन्होंने आज ये प्रोग्राम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। इंशाल्लाह आप देखेंगे फ्यूचर में जिस तरीके से पिछली बार हमने सारे माने वाले पल होंगे, 60 लाख यूथ शायद आप जज्बाती भी उस टाइम हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है तो ऐसे मौके को उस नंबर को सरपास करेंगे और ये यादें रखिए। ये पल मत बोलो, मैंने सुना था शेर जो यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है, यहाँ देखिए डाउनटाउन के बीच में रणपुरा स्टेडियम जो है इन द मिडल ऑफ डाउनटाउन सच अ ब्यूटीफुल स्टेडियम जहाँ फैसिलिटीज क्रिएट की है, आप देख रहे हैं कि ये फ्लडलिट भी है, रात को भी यहाँ गेम्स खेली जाती है और सारी कम्युनिटी जो है उसकी इसमें पार्टिसिपेशन है। आज की गेम्स जो है हमने एक इवेंट यहाँ पे किया था गोल्डन ईयर्स इवेंट, जिसमें हमारे सीनियर हैं जो बड़े बूढ़े हैं इस एरिया के रहने वाले, बाकी एरियाज के रहने वाले जो हमारे ओल्डर सिटीजंस हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ साथ बड़े बूढ़े लोग जो हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो एक मुहिम हमने चलाई है ऑल ओवर द यूपी जहाँ गांव-गांव में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसी गेम्स हो रही हैं वो बहुत कामयाब रहेंगे।